नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भीलवाड़ा शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर में विगत एक सप्ताह से अधिक समस्या से पानी की समस्या को लेकर परेशान है। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर आजाद नगर के सेक्टर में विगत एक सप्ताह से पेयजल के लिए सप्लाई किए जाने वाले पानी की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त होने से मटमैला और कीचड़ युक्त बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिस पर कॉलोनी वासियों ने मटकियां फोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया और कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ साबित हो रही है। वहीं क्षेत्र वासियों ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी पर तो विजय पालेंगे, लेकिन दूषित पानी के सेवन से कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। क्षेत्रवासियों ने बताया, यदि दो दिन में समस्या का निदान नहीं हुआ तो उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनूप शर्मा, जय नारायण जोशी, चिंटू शर्मा, मनीष हेड़ा, भैरू सोनी, हिमांशु, अभिषेक, विमला शर्मा, सरोज, प्रेमलता सहित कई कॉलोनी वासी मौजूद थे। आज आप यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, किस बारे में यहाँ एकत्रित हुए हैं? पानी की समस्या के लिए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि 9-10 दिन हो गए, पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, नालियों का पानी आ रहा है जिसमें कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह सब आ रहे हैं, और अब ये पानी कैसे पिया जाए बताओ। पानी पीना छोड़ दो, उसको पास में खड़े रहते जो बदबू आ रही है नालियों का, रोज शिकायत रोज 4 दिन से करके आ रहे हैं, पानी में भर के ले जा रहे हैं, काला काला पानी आ रहा है, और शिकायत करने जा रहे तो वो बोल रहे हैं कि ठीक कर देंगे हम। फिर दूसरे दिन गए तो पाइप में है ना भरा भरा पानी है जो वो आ जाएगा और कल तक ठीक हो जाएगा। क्या है कि चंबल का पानी आ गया है और चंबल वाले भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का चंबल का काम चल रहा है, तो चंबल और रेगुलर पीएचईडी मिलके समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे केस सेक्टर के अंदर पिछले 8-10 दिन से मतलब की पानी की समस्याएं आ रही है। पानी के अंदर मतलब की क्या है, क्योंकि पहले तो फ्रेशर से पानी नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत प्रेशर से पानी आने लगा है, तो वो पानी गंदा आ रहा है, उसमें कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं, बारिश का मतलब कि कीचड़ काचड़ गंदा पानी आ रहा है। हमने जल विभाग में भी शिकायत करी और मतलब कि यहाँ पे हमारे जो मतलब कि वो वाल वगैरह जो खोलने वाले आते हैं उनसे भी शिकायत करी है, उन्होंने भी मतलब कि हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया है कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। हमने 3-4 बार मतलब कि इसकी शिकायत कर दी है, लेकिन हमारे को अभी तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ। गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, मतलब कि मतलब उस पानी में इतनी पीना तो दूर, उसके अंदर इतनी जोरदार स्मेल और बदबू आ रही है कि मतलब कि उसको सूंघ भी नहीं सकते पानी को। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन को मतलब कि हमने जल विभाग को हमने कंप्लेन करी है, तो कंप्लेन के अंदर मतलब कि वो 2-3 बार वो अफसर लोग आए आते हैं, वो देख के चले जाते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। 10 दिन से हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे इस मतलब कि के सेक्टर के अंदर लगभग 80-85 घर है, 80-85 घरों की बस्ती के अंदर प्रशासन की तरफ से, जल विभाग की तरफ से एक भी सरकारी हेडपम्प नहीं है, पानी की टंकी नहीं है।